लिव इन रिलेशनशिप पर मैं आज बात करना चाहूंगा। देखिए, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो इस पूरे कंसेप्ट को इमोरल मानती है, बट क्योंकि हमारा इंडियन लॉ बहुत लिबरल है और वो इस पूरे कंसेप्ट को इलीगल नहीं मानती है। एक लैंडमार्क केस है जिसमें यह बताया गया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है इट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमको पता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी से डील करता है। और फर्दर कोर्ट ने यह भी हेल्ड करा कि लिव इन रिलेशनशिप आर परमिसेबल एंड द एक्ट ऑफ लिविंग टू मेजर टुगेदर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल और इलीगल। तो जिस भी सोसाइटी में आप अगर रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में और वहां के लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो जान लिया कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, ठीक है, बट ये बताना चाह रहा हूं कि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसका क्या स्टेटस होगा। तो देखिए, लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जो बच्चा पैदा होगा उसका स्टेटस उतना होगा जितना मैरिड कपल, जो मैरिड जो शादीशुदा रहते हैं उनके जब जो बच्चा पैदा होता है, जो चाइल्ड बॉर्न होता है, जितना उसका स्टेटस होगा जितना इस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जो बच्चा पैदा हुआ है उसका भी उतना ही स्टेटस होगा। इसे लेजिटिमेट चाइल्ड कंसिडर्ड करा जाता है इन आईज ऑफ लॉ।